15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दो, दोनों का पता नहीं चलेगा कहां से आए कहां से गए। जिस दिन हम मंच पर आ गए सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे, ये है नवनीत राणा का स्टेटमेंट। इसमें मुझे ईवीएम 15 सेकंड बटन दबाने में, पर्ची निकलने में आप जोड़ घटाओ गुणा भाग करते रहिए सर। मैंने इसीलिए आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ के बताया कि जो गलत है वो गलत है, भले ही वो किसी के बयान का जवाब ही क्यों ना हो। जो गलत है वो गलत है, अगर हिंदू मुसलमान होगा तो वो गलत है। और मैं फिर कह रही हूं विजय जी, मैं फिर कह रही हूं, सुनिए मेरी बात सर। मैं असल साहब की पॉलिटिक्स को आंकड़ों के जरिए अगर आपके सामने रखूंगी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी तरफ से भी हेट स्पीच आती है रैलियों में, जिन बातों का वो जिक्र करते हैं। एक सेकंड राहुल लाल जी एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं 2004 से लेके 2019 तक, जहां पर वो 38.4% वोट परसेंटेज पर थे, वहां पर 59% पर पहुंच गए हैं। तो यानी कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसको उनका चुनावी फायदा तो मिल रहा है, लेकिन क्या बीजेपी भी इसमें अपना इस तरीके के बयानों के साथ कोई चुनावी फायदा तलाश रही है क्या? देखिए, बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती। ओवैसी जी का आप रिकॉर्ड देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बावजूद वो किस तरह की भाषा बोलते हैं, बाबरी मस्जिद के लिए क्या बोलते हैं कि हम राम मंदिर नहीं, आप आज भी हम उसको बाबरी मस्जिद मानते हैं। देश की जनता आपके मासूमियत को सलाम कर रही होगी। किया जा सकता है जिसकी जहरीली भाषा हो, धर्म के आधार पर नहीं कर रही, कभी मुस्लिम के अलावा दूसरी बातें ही नहीं करता। वो नवनीत जी के बयान में आप ईवीएम खोज के ले आए, प्रधानमंत्री जी के बयान में क्या चीज खोज के लाए, वो तो जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी के बयान में क्या चीज खोज के लाए, करने का कौन करते हैं? वो ऐसा तो बोलता है कि देश के 140 क्या बोला है, क्या गलत बोला है मुझे बताइए। उसमें से अल्पसंख्यकों को लेकर उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर आप अपने आपके पास पिछले 10 साल में आपके पास मौके थे, कार्रवाई आप कर सकते थे, और इसी के ऊपर पहले की आजादी का किस मुस्लिम को नहीं है, किस बौद्ध को नहीं है, किस सिख को नहीं है, किस हिंदू को नहीं है? तो आप सुबह से शाम तक जो झूठ फैलाते हो, झूठा नैरेटिव फैलाते हो, आपकी तुष्टिकरण की राजनीति है। ये इंदिरा गांधी जी ने जोड़ा था शब्द संविधान के अंदर, सेकुलरिज्म नाम का कोई संविधान के अंदर वर्ड ही नहीं था, तो आप क्यों झूठ बोलते हो? आपने देखा वक्त शक्ति अटकी गई है, अब वो कांग्रेस राज में भी जवाब तो सुनिए ना राहुल लाल जी भागते हुए आप 10 सवाल पूछ लेते हैं, एक एक करके जवाब तो सुन लीजिए। सवाल क्या पूछूं, तो समय मत खराब कीजिए ना मेरा। मेरा समय बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मुझे बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलता है जिसमें मुझे सबसे बात करनी है, उसको बर्बाद मत करिए, उसको बस बर्बाद मत करिए। हाजी नाजिम जी, आपके पास आते हुए मुझे जरा ये बताइए कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, नवनीत राणा का बयान, उस पर असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट, उससे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान, और उस पर नवनीत राणा का पलटवार, आज जो कहते हैं जो 15-15 की लड़ाई है, ये घूम फिर के किस पर आ जाती है सर? एक कौम पर आ जाती है, वो कौम कौन सी है? मुस्लिम कौम है। आप रिप्रेजेंट करते हैं पीस पार्टी को, लेकिन ये क्यों बताने की कोशिश की जाती है कि मुस्लिम्स को तो पीस पसंद ही नहीं है? खड़े हो जाएंगे सड़क पर। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए जिस तरीके से मुल्क के वजीर आजम अगर इस बात को कहते हैं कि कपड़ों से पहचान होती है, तो ये बताइए जब उनके ही अपने नेता अगर 15 सेकंड में दो भाइयों को खत्म करने की बात करते, तो इससे जाहिर होता है कि ये लोग देश के अंदर मुसलमानों को मारने की एक साजिश कर रहे हैं। साजिश के तहत इन्होंने इस तरीके का बयान दिया, और जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता क्या बात कर रहे हैं, ईवीएम से जोड़ने की बात कर रहे हैं। शर्मनाक बयान पे आपको निंदा करनी चाहिए थी, ऊपर से आप उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। देश के मुसलमानों को खत्म करने का जो ये प्रयास आप लोग जो मंसूबा बना रहे हैं, बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, भारत का मुसलमान भारत के अंदर ही रहेगा सर। जो आप लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान भेज दो, अरे भारत के मुसलमानों का ये देश तो सिर्फ भारत है। हमारे अपने बुजुर्गों ने हंसते से फांसी के फंदे चूमे थे, और मैं आपको याद दिला दूं जलियांवाला बाग, हमारे सीने पे आज भी गोलियों के निशान, ये चीख चीख कर गवाही देते हैं कि मुल्क को आजाद कराने के लिए हमने बलिदान दिया था, शहीद हुए थे। और आज आप हम लोगों को कहते हैं कि 15 सेकंड में दोनों भाइयों को खत्म कर देंगे, हटा देंगे।
ये किस तरीके का देश के अंदर आप एक नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 20 पार्टी की सरकार आने दीजिए देश के अंदर जो हेट ठीक है। हाजी नाजिम, नवनीत राणा के बयान पर आप एकदम आग बबूला हो गए। एक सेकंड विजय जी रुकिएगा, विजय जी प्लीज एक सेकंड सर, बहुत आग बबूला हो गए सर, और बिल्कुल जायज है, आपको होना चाहिए आग बबूला। अच्छा, जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं उस पर सर, पूर्णिमा जी देखिए, जो सुन लीजिए, जो अकबर ओवैसी साहब ने कहा था उन पे कार्रवाई हुई थी ना, अभी असदुद्दीन ओवैसी नवनीत पे क्यों नहीं हो पा रही? अरे एक मिनट, क्या कार्रवाई? अच्छा, क्या अकबरुद्दीन ओवैसी पर क्या कार्रवाई हुई थी ये बताइएगा जरा मुझे। देखिए, जो देश के खिलाफ बात करेगा, हाँ पूर्णिमा, क्या हुई थी कार्रवाई, क्या हुई थी कार्रवाई बताइए, कार्रवाई बताइए। अरे मैं बता रहा हूँ, बताइए, सुनना ही नहीं चाहते, बताइए ना तो पूर्णिमा जी, आप सुनेंगे तो पता चलेगा। अरे बोलिए ना सर, अकबर ओवैसी ने 15 मिनट के लिए क्या कहा, जो भी उन्होंने कहा बिल्कुल गलत कहा, हम कहते हैं गलत है। अरे कार्रवाई बताइए ना, कार्रवाई बताइए ना। हाजी नाजिम, अकबरुद्दीन ओवैसी पर क्या हुई? राहुल लाल जी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मैं कहता हूँ कि कार्रवाई क्या हुई, हमारी सत्ता तो क्या हुई, 20 पार्टी क्या हुई, कार्रवाई क्या हुई, कार्रवाई करने वालों अकबरुद्दीन ओवैसी पर क्या कार्रवाई हुई ये बताइए। पार्टी सुन लीजिए, पीस पार्टी, आपने बहुत आराम से कह दिया, आपने बहुत आराम से कह दिया, आपने बहुत आराम से कह दिया कि अकबरुद्दीन ओवैसी पर कार्रवाई हुई। उसी से एडजेसेंट सवाल मैंने पूछा, मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे बताइए क्या कार्रवाई हुई। अब इसमें चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अरे बोलिए ना सर, सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा क्या कार्रवाई, क्या कार्रवाई, हाँ देखिए, ये कार्रवाई करने का काम हमारे कोर्ट का है। अच्छा। और देखिए, और उसके बाद जो जिस तरीके से अभी बीजेपी के नवनीत जी ने क्या कहा 15 सेकंड, सुन लीजिए, मैं तो सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, 15 सेकंड में मेरा सीधा सवाल आपसे और आप ही के जवाब पर, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लानिंग है इस तरीके की, कैसी फिर आप नफरत फैला रहे हैं, प्लानिंग है, अरे ऐसे कैसे कोई बढ़ देगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? एक्शन नहीं होगा, अरे कुछ भी कहता हूँ पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी सुनिए मेरी, हाजी नाजिम जो ये सब लोग कह रहे हैं ना, उसमें बैठकर यहाँ पर तड़का मत लगाइए। आपने कहा अकबरुद्दीन ओवैसी पर कार्रवाई हुई, आपने कहा कि नहीं कहा? मैंने पूछा क्या कार्रवाई हुई, आपने कहा ये काम कोर्ट्स का है, फिर आप कहते हैं आप बरगला नहीं रहे टेलीविजन पर बैठकर। पूर्णिमा जी ये बता दीजिए, अकबर ओवैसी जी बोलिएगा, विजय जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, विजय जी जवाब दीजिए इसका मुझे, ठीक है रुकिएगा। आज ना कोई मुसलमानों को खत्म नहीं कर सकता, देश में लॉ एंड ऑर्डर है, फालतू की बात मत कीजिए यहाँ पर, बेवजह की बात मत करिए। विजय जी जवाब दीजिएगा, विजय जी जवाब दीजिएगा, फिर फरहान साहब आपके पास आऊंगी, मोदी और योगी तो मठों में चले जाएंगे अपने में, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा, शर्म आपको आनी चाहिए कि आप इस तरह की राजनीति करते हो, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हो, कौन है आपकी सोच मिलती है तो सर, और आप यहाँ के ऐसी बातें करते हो, कैसी बात है, आपके जहरीले बोल कौन नहीं जानता, रिहान दीप सौंप जिंदाबाद, कैसी बातें करते हो आप तो आपकी आपकी सोच जिंदा से मिलती है, बेकार की बातें यहाँ मत करो टीवी चैनल पे बैठ के। ये देश जो है बहुसंख्यकवाद यहाँ खत्म नहीं हो सकता, ये देश सनातन है, सनातन से चलेगा ये देश, संविधान हमारा कानून के लिए है, मान्यता हमारे सनातन के लिए है, यहाँ कोई भी आर्य धर्म का नहीं है, सारे मजाक सारे सनातन से निकले हुए हो सर,
क्या हो गया? नहीं देखिए सुबह से शाम जो रमनीश जी ऐसी कोई बात नहीं, रमनीश जी सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, देश संविधान से चलेगा। और एक सेकंड सुनिए रमनीश जी, आप इनकी बात पर बात करिए लेकिन ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। आप बोलिए, आप ये बताइए वंदे मातरम बोल कर दिखाइए पूर्णिमा जी, ये बताइए नफरत का ऐलान तो मोहम्मद अली जिन्ना के समय ही हुआ 1946 में जब नवाखली कांड हुआ था। नफरत का ऐलान तो 1966 में नवंबर 1966 में जो कहा जाता है साधु और भक्तों की हत्या कर दी गई थी इंदिरा गांधी जी के। नफरत का ऐलान 1940 में हो गया था, सावरकर ने दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। ऐलान तो 1944 में सावरकर ने दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया था तभी हो गया था। नफरत का ऐलान तो क्या संविधान के आधार पर आपने नहीं किया गया आरक्षण आंध्र प्रदेश में जिसको माननीय हाई कोर्ट ने वो किया था, निरस्त किया था? आप बताइए, मैं बताता हूँ आपको, रोक लगा बताइए, सुन लीजिए, आप बताइए, विश्वनाथ में लगता है कि आपको न्याय प्रणाली की जानकारी नहीं है, मंदिर में राम मंदिर का निर्माण को लेकर आराम से राहुल लाल जी यही बात आराम से बोलिए, आराम से बोलिए आप सबके पास माइक लगा हुआ है, आप सबके पास माइक लगा है सर, आराम से आपको संविधान और न्याय प्रणाली के बारे में जानकारी नहीं है आपको? पहले एक मुद्दे पर टिके जवाब दे लीजिए, हम बहिष्कार करेंगे, मोदी को हराना चाहते हैं। आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, रुक जाइए, आप रुक जाइए राहुल लाल जी, आप रुक जाइए रमनीश जी, आप रुक जाइए, फरहान साहब आपके पास आते हुए, फरहान साहब आपके पास आते हुए 10 सेकंड में खत्म कीजिएगा राहुल जी, 10 सेकंड में, नहीं एक मिनट, एक रमनीश जी मैं आपको समय दूंगी ना, रमनीश जी समय दूंगी मैं आपको, 10 सेकंड में बोलिए। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने जब आदेश दिया था उसमें 1991 के सुन लीजिए धर्मस्थल विधेयक को सही करवाया था, अरे फिर आप ऐसे जो पक्षपात मत लाइए राहुल लाल जी, छोड़ दीजिए ऐसे जो पक्षपात मत लाइए आप, उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम पर बार बार याचिकाएं खारिज हो रही है ना। नहीं सुन लीजिए रमनीश जी, ये बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है क्या भाजपा के अधीन है? इस तरह की बात आप कर रहे हैं, ये बताइए क्या भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डाला था कि बाबरी मस्जिद का फैसला दीजिए? इस तरीके की बात मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी कर रहे हैं, ये बता दीजिए क्या आपने जो उनके बच्चे ने कांग्रेस क्या देगी, कांग्रेस का धरना आ जाएगी, राहुल को राम मंदिर की जय, सब लोग बोलते रहिए किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। राहुल लाल जी प्लीज रुकिएगा।